नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है। नीट 2019 के रिजल्ट के बाद सभी स्टूडेंट काउंसलिंग पर फोकस कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मुझे उसी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है। तो टोटल 100% सीट में से 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग पर आता है, और ये जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है वो सेंट्रलाइज होता है और ये ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन का यह मतलब होता है कि आप घर बैठे बैठे ये काउंसलिंग पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आपको घर में बैठकर लॉगिन करना है और फिर आपके डिटेल भर देनी है, और जब आपका चॉइस फिलिंग का समय आएगा तब आपको अपने कंप्यूटर में चूज़ करना है कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। तो यहाँ पर जो है mcc.nic.in, यह ऑफिशियल वेबसाइट है नीट 2019 की 15% ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के लिए। यहाँ पर आपको काउंसलिंग स्कीम मिल जाएगी, काउंसलिंग शेड्यूल मिल जाएगी, पार्टिसिपेशन इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे और फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ध्यान रखिए, जो पूरी वेबसाइट है वो अपडेट नहीं हुई है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अपडेट हो गई है, वह यह है कि 2019 की काउंसलिंग शेड्यूल, इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो 2019 के अपडेट शेड्यूल है, रजिस्ट्रेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। राउंड वन का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा 19 जून 2019 को, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 24 जून 2019 अप टू 5 PM। उसके बाद आपको पेमेंट फिलिंग जो है एक और दिन के लिए अवेलेबल होगा 25 जून 2019 तक। उसके बाद आपका आएगा चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो है 25 जून 2019 को। सीट अलॉटमेंट 26 को होगा और रिजल्ट आएगा 27 को। और उसके बाद आपको रिपोर्टिंग आपको करना है, 28 जून को। अब ये रिपोर्टिंग जो है उस स्टूडेंट के लिए है जिसको कॉलेज मिल जाता है और वो चाहते हैं कि वो कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आपका ये जो सीट जो मिला है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको राउंड टू में पार्टिसिपेट करना होगा। राउंड टू के बारे में बात करें तो राउंड टू शुरू होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चॉइस फिलिंग 6 जुलाई से 8 जुलाई तक। उसमें पेमेंट की फैसिलिटीज जो है 9 जुलाई तक अवेलेबल होगी। चॉइस फिलिंग 9 जुलाई को होगा, फिर सीट अलॉटमेंट 10 जुलाई से 11 जुलाई तक। रिजल्ट आपका आ जाएगा 12 जुलाई को और आपको रिपोर्टिंग करना है 13 जुलाई को। ध्यान रखिए, ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ 2 राउंड ही होता है, राउंड वन राउंड टू, और उसके बाद सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी और ESIC के लिए एक मॉपअप राउंड होता है। तो मॉपअप राउंड की डिटेल यहाँ पर नीचे दी गई है, उसमें यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है 13 अगस्त से 15 अगस्त। चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे 16 अगस्त तक और अलॉटमेंट 17 को, और फिर रिजल्ट आएगा आपका 18 को। फिर रिपोर्टिंग आपको 20 अगस्त से 26 अगस्त के बीच आपको कर देना है। उसके बाद जितने भी सीट्स जो वैकेंट रहती है 27 अगस्त को उसे सभी स्टेट को वापस दे दिए जाएंगे, और उसका डिटेल मैं आपके साथ भी शेयर करता रहूँगा। तो ध्यान रखिए, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।